नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं टिल्लू की। आज दरअसल सुबह बदला पूरा हो गया। बदला इस तरह से पूरा हो गया क्योंकि गोगी की हत्या हुई थी और गोगी के गुरुओं ने कहा था कि अब टिल्लू को नहीं छोड़ेंगे, और आज वही काम हुआ जिसका पहले से अंदेशा लगाया जा रहा था। यानी कि पहले से ये बात साफ थी कि अब अटैक होगा टिल्लू पर, और वैसा ही हुआ। तिहाड़ जेल मूक दर्शक बनकर बैठा रहा, सिक्योरिटी ताक पर रही। आरोपी फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचे, चादर लटकाकर जो है उस चादर के सहारे नीचे पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने टिल्लू की हत्या कर दी। अब तो मुकदमा तो दर्ज हो ही गया क्योंकि ऑलरेडी तिहाड़ जेल में है। ये सिक्योरिटी कितना बड़ा लैप्स है? बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा लैप्स है, और 19 दिन में ये दूसरी हत्या है, दूसरे गैंगस्टर की हत्या है। हम हत्या को तो जस्टिफाई नहीं कर सकते, गैंगस्टर मरे, कोई भी मरे जेल में, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। हाई सिक्योरिटी बोला गया था, इसे मंडोली जेल से यहाँ शिफ्ट किया गया था क्योंकि वहाँ कहा जा रहा था कि गोगी गैंग के बहुत सारे मेंबर्स हैं, गैंग के मेंबर्स हैं, तो इसको जान को खतरा है। स्पेशल अलग से सिक्योरिटी दी गई थी। अब सवाल ये है कि जब जेल में जो आरोपी हैं जो ऊपर से कूदे कंबल बांध कर, उस समय गोगी क्यों बाहर था, क्या कर रहा था, वो अपने बैरक में क्यों नहीं था, उस फ्लोर की जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ थी, आईटीबीबी को दी जाती है, जेल स्टाफ अलग से होते, ये सब लोग कहाँ थे। अब जो है जो जो क्रिमिनल्स हैं, जो बड़े गैंगस्टर हैं जिनके ऊपर बड़े आरोप हैं, वहाँ सब जगह आईटीबीबी के जवान से, वो कहाँ थे, क्या जेल अथॉरिटी पूरी तरह मिला था, क्योंकि एक चोखीले इतने छोटे पतले रॉड्स तो नहीं होते। या तो आप जेल के रॉड्स चेंज करो कि कोई भी आम आरोपी काट ले रहा है, तो वेल प्लान चीज़ें दी गई हैं, वेल इक्विपमेंट चीज़ें दी गई है जिससे वो रॉड कट कर ले, कि पुलिस को हमारे ऊपर भी ना लगे कि उनके ऊपर आरोप आ रहा है। आए दिन तो देखते हो कि आप तिहाड़ जेल में कोई बंदूक कोई फोटोज़ खींच के भेज दे रहा है बाहर, वीडियोज़ बना ले रहे, बहुत पहले भी ऐसे होता था, गैंगस्टर्स फ़ोन यूज़ कर रहे। अब तो ये एक लेवल आगे हो गया, समझिए ये तो एक नॉर्मल मतलब एक गैंगस्टर क्रिमिनल थे। अगर कोई टेररिस्ट ऐसा कुछ कर लेता, बाहर निकल कर भाग ही जाता तो, या किसी और को मार देता, कोई बड़ा आदमी होता इस जेल में, जिस जैसे अब वही थे थोड़े दिन पहले आपके नेता, अगर उनके ऊपर कुछ हमला हो जाता तो जिम्मेदारी तो पूरी तरह मतलब जो जेल प्रशासन है उनकी बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्लान लग रहा है कि इसमें इन्वॉल्व है। इतना ईजी नहीं है, प्लान तो था ही क्योंकि, लेकिन इतना इजी नहीं है चिराग जी। मुझे लगता है कि बिना जेल प्रशासन के हेल्प के आप इतनी इजीली तो नहीं कर सकते। एक फ्लोर से कूद कर नीचे फ्लोर जाना, कट करना, रेलिंग फिर मारना, बहुत मुश्किल है। क्या सीसीटीवी है, इतनी 24 घंटे सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है, सब कुछ होती है, किसी एक ने भी नहीं देखा इन्हें, इट इज़ पॉसिबल? इतना ऊपर से कूद रहे फर्स्ट फ्लोर से नीचे, और पूरा मतलब रस्सी बना रहे जैसे पूरी फिल्मी स्टाइल। तो ये वही तिहाड़ जेल थी जहाँ पर एक आरोपी सुरंग बनाकर बाहर निकल गया था, आपको पता है? पता है, भाग गया था। तो कहने का मतलब ये है, सिक्योरिटी के नाम पर एक तरह से इतना पैसा जो सरकार खर्च कर रही है, खासकर दिल्ली सरकार की बात करूंगा क्योंकि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर आती है। जो बजट आता है, वो जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर, वो दिल्ली सरकार के होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर भी तैनात होता है। इस वक्त वहाँ पर डीजीपी हैं संजय बेनीवाल, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऑब्वियसली जेल नंबर 9 के अधिकारी जो वहाँ पर थे, बिल्कुल वो सो रहे थे क्या, ये क्या कर रहे थे? ये पता था कि ये टिल्लू उस समय बाहर आएगा, ये पता था कि 6 बजे हम उस पर हमला करेंगे, और इतना आसान नहीं जैसे प्रवेश भी बता रहा है कि इसको काटना, उसके बाद पूरी प्लानिंग करके जाना, यानी ये किसी ना किसी की मिलीभगत तो साफ है, ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन टिल्लू की बात करें तो एक तरह से दूसरे सेंस में देखा जाए तो अपराधी तो मरा है, इसको ऐसे भी तो देखा जा रहा है। लेकिन चिराग जी ऐसा जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, अगर समझिए मैं बोल रहा हूँ वो आरोपी है, हाँ उसे सजा भी हो गई है बहुत सारे केसेस में, कल को कोई उसी जगह कोई दूसरा आरोपी होता जिसकी सजा का ऐलान नहीं हुआ है, बस उसके ऊपर केस चल रहा है, वो जेल में है, तो उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा कौन लेगा? अभी तक उस पर सजा नहीं सुनाई गई है। तो अगर वैसे किसी आदमी की हत्या हो जाती है तो तब तक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जब तक आपको कोर्ट, और आप ऐसे क्राइम को तो क्रिमिनल्स को क्रिमिनल को मारे तो जस्टिफाई कर नहीं सकते। हमने अतीक में भी कहा था कि क्रिमिनल ने क्रिमिनल को मार दिया, बहुत लोग खुश हो रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं, जो जुडिशरी है वो अपना काम करेगी ना। जेल में भी कैदियों के भी कुछ राइट्स हैं, सबके कुछ ना कुछ राइट्स हैं, लेकिन ये जो चार कैदी है, ये जो इन्होंने दुस्साहस दिखाया, चारों मिले, प्लानिंग करी, कोई एक दिन की तो बात नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं, इन्हें भी पता होगा लूप होल कि कब पुलिस वाले नहीं रहते, कब आईटीबीपी के जवान गायब रहते हैं, ये भी पूरी मॉनिटरिंग करते हो। मिलीभगत होगी, बिल्कुल मिलीभगत हो सकती है। ज़्यादातर तो देखिए जेल में बिना
पुलिस के जेल अथॉरिटी के हेल्प के आज कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। एक पत्तर, एक बोलते ना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन कई बार तो ये भी कहा गया ना कि अंदर जेल के अंदर तो कैदियों का इराज चलता है, वहाँ तो जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते, वो कैदियों पर ही छोड़ देते हैं। हाँ ये भी बोला, बहुत बार बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप अपने आपको दिया गया जिम्मा, आपके सिक्योरिटी के स्टाफ हैं वहाँ, तो आपको जिम्मा दिया गया, आप ऐसा थोड़ा ना बोल सकते हो। और बहुत सारे जेल्स में ऐसा होता है, जिसके पास पैसा है, जिनका अच्छा अंदर ग्रुप है, वो सब चीज़ें कर लेता है, वो खुले से घूम सकता है। अभी इसमें तो यही पता चला ना, इस हमने देखा किस तरह से भ्रष्टाचार सामने, अरे बहुत सारे, अभी आप पार्टी के नेता कितने सारे लोगों का नाम आया कि जेल में बहुत आराम से अच्छी लाइफ स्टाइल अच्छी तरीके से जी रहे हैं। खुद इसका गोगी का इस खुद ताजपुरिया का बहुत सारे फोटो था जेल में, अच्छा बन ठन के फोटो खिंचा के बाहर भेजता था। कुछ दिन पहले भी बवाना गैंग इनके बहुत सारे वीडियो सामने आए थे। दरअसल ये भी का नाम ना एकदम ही खराब हो गया। अब आप ना ऊपर कितने भी बड़े अधिकारी को लाके बिठाओ, मैं तो कहता हूँ किसको भी बिठा दो ऊपर लाके, क्या है क्या मतलब, वो जो लोअर नहीं चाहते, लोअर लेवल पे जो अधिकारी हैं, क्या होता है चिराजी, वो बाहर पैसे नहीं कमा पाते। बाहर की सबसे मेन जो प्रॉब्लम है ये समझना बहुत है, आप ऊपर कितने भी बड़े अधिकारी को ला दो, कितने भी बड़े डीजीपी किसको भी ला दो, वो नहीं कुछ कर सकता हैंडल, क्योंकि जो अंदर जिनकी ड्यूटी लगी वो पैसे कमाते नहीं, तो वो क्रिमिनल से ही हाथ मिला लेते हैं, तो क्रिमिनल से उनको पैसे लेन देन ये सब चलता है, क्योंकि जो बाहर पुलिसिंग है बाहर अपना मजे से पैसे कमाती है। अब मैं सब पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा, और इसमें सब कोई इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कुछ परसेंट जो इन्वॉल्व है जिनकी वजह से ये होता है, तो वो अंदर आराम से पैसे कमाते हैं। कल किसी और की आप ड्यूटी लगाओगे उसको हटा दोगे तो वो भी यही काम करेगा, चेंज कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसे भी पता है कि बाहर मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, सरकारी सैलरी मेरे लिए इतनी है नहीं, अब एक बहुत ज़्यादा वो है कि भाई और ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो सबसे मेन रीज़न तो ये है, आप ऊपर के लेवल पे कितना भी कुछ करो, नीचे के लेवल का सुधरना बहुत मुश्किल है। या तो आप एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लो, एकदम कड़े एक्शन लो, अभी जो जो हुआ है सबको सस्पेंड कर दो, तो सब पे इंक्वायरी बिठा दो, कुछ नहीं होता चिराग जी। आप बहुत कम केसेज में, आप बताइए, लॉरेंस ने इंटरव्यू कर लिया पंजाब की जेल से, कुछ हुआ, कुछ पता चला क्या हुआ, किसने किया, कैसे मोबाइल यूज़ किया, कुछ नहीं पता चलता, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जीरो, सब आराम से निकल जाते हैं। सुकेश में इतना प्रेशर बन गया, तब जाके डीजी को चेंज करना पड़ा। खैर ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स तो है, इसमें तो हम कई बार ये चीज़ डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन टिल्लू ताजपुरिया आखिर चीज़ क्या था? टिल्लू ताजपुरिया जो था वो ऑब्वियसली गैंगस्टर था, 13 से ज़्यादा उसके ऊपर मुकदमे थे, हत्या के मुकदमे थे, गोगी का राइवल था, कभी गोगी और ये साथ होते थे, लेकिन फिर दुश्मनी जो है इन दोनों में डेवलप हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके एक दूसरे के गैंग को मारते रहे, और अब हालात ये पैदा हो गए थे कि अब गोगी की 2021 में हत्या कर दी गई थी रोहिणी कोर्ट में, अब टिल्लू के पीछे गोगी गैंग के लोग पड़े थे और उन्होंने एक तरह से अपना बदला ले लिया। हाँ बदला तो ले लिया, क्योंकि देखिए बहुत पहले से प्लान था, ऐसा नहीं था कि इसे नहीं पता था कि इसकी हत्या होने वाली है, बहुत पहले से था प्लान, बहुत बार धमकी मिल चुकी थी। आपको पता नहीं होगा कि अतीक के हमलावर जो थे बंदूक, वो 2 साल पहले वही बंदूक गोगी ताजपुरिया को मारने के लिए यूज़ होने वाली थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्लान सक्सेस नहीं, और मंडोली जेल से ट्रांसफ़र हो गया, जिसके बाद ये आरोपियों ने वही गन अतीक के किलर्स को ट्रांसफ़र की थी। तो ऐसा कहा भी जा रहा था गोगी गैंग का हाथ है कहीं ना कहीं अतीक के किलर्स के पीछे। इसमें एक चीज़ और भी क्लियर हुई है कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग भी हो सकता है। हाँ लॉरेंस गोल्डी बराड ने तो एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है फेसबुक पे कि हमारे भाइयों ने काम कर दिखाया, बहुत अच्छा काम मतलब किया। उसका नीरज बवाना गैंग से था, क्योंकि नीरज बवाना का टिल्लू से बिल्कुल बहुत अच्छी बातचीत थी, लेकिन बीच में ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों के बीच बात कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, कि दोनों एक दूसरे की गैंग में मतलब कोई किसी के बीच में नहीं आएगा, ये कहा जा रहा था कि बहुत दिनों से दोनों के बीच की बातचीत, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ होना ये बहुत बड़ा अपने आप में ही सवाल है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्सर को लाया ही इसलिए गया था बाहर से तिहाड़ जेल में, कि वो अंदर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सके, क्योंकि बॉक्सर कहीं ना कहीं गोगी का आदमी था और वो गोगी की गैंग को चला रहा था, तो बॉक्सर को लाया ही इसलिए गया था कि वो यहाँ ऐसा बड़ा कांड करवा दे ताकि पुलिस का काम आसान हो जाए। पुलिस चाहती क्रिमिनल से क्रिमिनल्स को मार दे, हम क्यों झंझट पाले, और यही होता दिख रहा है। अब इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं होगा, किसी का सस्पेंशन कुछ भी नहीं होगा। चलिए वीडियो आपको किस लिए की जरूरत आएगा दोस्तों, थैंक यू।